मैंने लाइफ में एक ही टाइप की दाबेली खाई है, यू इधर गेट अ दाबेली और यू डोंट गेट अ दाबेली. समटाइम्स देयर इज अ चीज दाबेली, दैट्स अबाउट इट. सो स्पाइसी दाबेली कुछ अलग होगा. स्पाइसी मेरे पास है. स्कूल से बच्चे छूटे हुए हैं, बारिश में भीगे हुए हैं, यहाँ पे आके 1/2 को या द लाइन इज हियर. हम जहाँ खड़े रहते हैं लाइन में. सिंस द नेम इज सो चीजी एंड कॉर्नी, वी विल गो विद दैट. हम रानी को रानी खिलाएंगे. रानी को राजा खिलाना चाहिए था वैसे. इट्स ओके. ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है. आई लाइक ऑल ऑफ देम. अगर एक ऐसे, इफ यू पुट अ गन टू माय हेड एंड यू आस्क मी टू चूज, नॉट AK-47. हर शहर का अपना स्ट्रीट फूड होता है और उसका अपना अलग ही मजा होता है. तो आज हम पता करेंगे कि सूरत के स्ट्रीट फूड की शक्लो सूरत कैसी है. और हम ये एपिसोड शुरू करेंगे एक शायरी से. राहें ऐसी थी कि हमें यहाँ ले आई, राहें ऐसी थी कि हमें यहाँ ले आई, चलो देखते हैं क्या है सूरत के फूड की अच्छाई. वाह वाह वाह. तो अभी हम गुजरात में हैं. really? गुजरात में सिंग रैली. गुजरात में आके हम दाबेली कैसे नहीं खाएंगे. अच्छा, और यहाँ पे राज दाबेली पे है हम प्राइम मार्केट में. तो यहाँ पे दिस इज द योर नॉर्मल दाबेली एंड दिस इज स्पाइसी. मैंने लाइफ में एक ही टाइप की दाबेली खाई है. यू इधर गेट अ दाबेली और यू डोंट गेट अ दाबेली. समटाइम्स देयर इज अ चीज दाबेली, दैट्स अबाउट इट. सो स्पाइसी दाबेली कुछ अलग होगा. तो स्पाइसी मेरे पास है. ये तीखा है, बट ये इतना तीखा नहीं है. मतलब इट्स डूएबल, इट्स फाइन. बट द फन इज टू कम टू सूरत एंड ईट अ दाबेली. ऑल्दो इट मे नॉट बी ह्यूजली डिफरेंट फ्रॉम द दाबेलीज दैट यू ईटन बैक होम इन मुंबई. बट आई डोंट इवन लाइक इट टू मच. आई प्रेफर द दाबेली इन बॉम्बे. This is spicy. This is spicy. इसमें सिर्फ लहसुन और रेड चिली है, सॉल्ट भी नहीं है. This is making a difference. ये जो लहसुन वाला मसाला है, इसकी वजह से it's an enhanced dabeli. Yeah. And now it's tasting different from the Mumbai dabeli. No, but I should prefer the pomegranate in the. No, I like this now with this extra chutney. Again, you know, debunking the myth ke Gujarat mein sirf meetha meetha khate hain. That's definitely not true. Yeah. At least not in Surat. Surat mein people do have a spicy palate, and everything that we've eaten since we came here, at least the snacky food is on the spicier side than on the sweetest side. Yeah, for sure. For sure. घूमते घूमते वी रीच्ड चौक बाजार. और चौक बाजार में हम A1 कोको पे है, और A1 कोको पे हमारे हाथ में कोल्ड कोको है. तो ये है स्पेशल कोल्ड कोको और है ये स्पेशल चॉकलेट चिप कोको. चीयर्स. इट्स लाइक अ थिक चॉकलेट मिल्कशेक. इट्स नॉट इवन मिल्कशेक, इट्स जस्ट लाइक मोल्डन चॉकलेट एंड शुगर. हां, एंड इन गुजराती चॉकलेट अने And I don't think you can go very wrong in this. Although there are some variants. There's also special malai coco. Special ice cream coco, kaju coco. Kaju ice cream coco. And yahan pe aane ke baad we saw that it's very very popular. Also amongst kids. School se bachche chhute hue hai, barish mein bheege hue hai. Yahan pe aake 1/2 coco. So cute. Dere, chocolate chip ke saath. Yeah, I was waiting wo chocolate chip mere paas kyun nahi hai. क्रंची.
चलो अब हमारे ये दो 1/2 करेंगे। और अभी नीलेश इट्स अप टू प्रमोद, अभी आप 1/2 है। नीलेश इज चगिंग, चग 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 चग। नीले नीलेश नीलेश गंबारे गंबारे नीलेश। अच्छा सो जो ग्लास हमने भेजा था वो खाली होकर आया है, but we still have this. So while he's going to chug the cocoa, so A1 Cocoa 1960 से कोको बना के बेच रहे हैं एंड क्वाइट अ लेगेसी प्लेस। अभी चार ब्रांचेस है सूरत में बट दिस इज द ओरिजिनल वन इन चौक बाजार एंड नो चेंज इन रेसिपी, जस्ट कोको। पीजिए Have you heard that you should celebrate the smaller things in life? Yes. On that note, choti choti khushiyan hamare samne hamare plate pe hain. Bilkul. So without talking, I'm going to start. This is the gotala. I'm salivating, I'm excited, I'm all emotions are strong. I want to start with the AK-47 because just watching it being made was crazy. I want to eat this meal so slowly, savoring every bite. AK-47 में पहले the first flavor that hits your tongue is the mashed green chili, and then धीरे-धीरे all the layers, गरम मसाला, the green मसाला, the egg obviously. और इसमें आई थिंक एग योक है, बॉइल्ड ग्रेटेड एग है और फिर ऊपर से एक हाफ फ्राई है। बट द रीजन व्हाई इट टेस्ट सो क्रीमी इज बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द ग्रेवी इज मेड विद बॉइल्ड मैश्ड योक्स मिक्स्ड विद बटर एंड क्रीम एंड चीज एंड अदर एटसेट्रा एंड दिस इज लुकिंग सो गुड टू रेड एंड ग्रीन मिक्सचर। दिस इज द लजीज। इसमें जो एग वाइट है वो नीचे है और उसके ऊपर आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दिस चटनी, या ग्रेवी, धनिया चटनी, कोरिएंडर चटनी, हां ऑल द मिक्सचर ऑफ द ग्रेवी इज ऑन टॉप ऑफ इट और उसके ऊपर बॉइल्ड एग कट करके डाला है। ये अमेजिंग इसलिए भी है बिकॉज़ इट हैज लाइक अ बेस, लाइक अ पिज्जा बेस, दिस हैज अ बेस ऑफ अ फ्राइड एग और बाकी सब उसके ऊपर है। सो गुड एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम मीट रागा दे आर। अगर आपको लगेगा एक अंडे का क्या अलग टेस्ट हो सकता है, बहुत हो सकता है। वो बनाते वक्त ही इतना लजीज लग रहा था। या वी वर वाचिंग इट बीइंग मेड, सो वी वर बीइंग, इट वाज लाइक बीइंग बिल्ट अप फॉर अस, बिल्ट अप फॉर अस कंप्लीटली एंड इट्स लिव्ड अप टू इट्स एक्सपेक्टेशंस फॉर श्योर। लो कॉर्डन ब्लू एक सूरत में खोलो और यहाँ पे ले आओ उनको लाइव कुकिंग। सो लिविंग इन मुंबई हमारे लिए egg is still exciting but it doesn't go much beyond the egg is still exciting doesn't go much beyond the omelet scrambled bhurji half fry full fry sunny side up and then there are cafes doing egg florentine and benedict and other things with eggs but this kind of innovation with just one ingredient especially gujarat mein dekha hai I remember baroda mein bhi hai wahan se pioneer hua hai raju omelet जहाँ पर बहुत ज्यादा नॉन वेज का कल्चर नहीं है वहाँ पर मैंने देखा है पीपल हैव टेकन द एग एंड डन वंडर्स विद इट क्लियरली एंड इट इज नॉट स्लोली इट इज रैपिडली स्प्रेडिंग टू स्टेट्स लाइक एमपी इंदौर में वी हैड डन एग्स उदयपुर वी डिड एग्स विद कुनाल एंड अगेन ब्रेकिंग द मिथ अगेन एंड अगेन के सूरत के गुजराती लोग तीखा नहीं खाते हैं All false. I liked all of them. अगर एक ऐसे, if you put a gun to my head and you ask me to choose, not AK-47.
आओ। ओके बोल। यू स्पॉइल्ड द जोक। ओह डियर। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। एनीवे, सो इफ यू पुट अ गन टू माय हेड एंड यू आस्क मी टू चूज, आई विल से द AK-47। तो हम आ गए हैं गणपत काका वड़ा वाला, बटाटा वड़ा वाला ऑफ द हाईवे। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन दिख रहा है, तो हम लाइन में खड़े रहते हैं और ऑर्डर करते हैं वड़ा। यह द लाइन इज हियर। हम जहाँ खड़े रहते हैं लाइन का इंसर्शन। कितने का है, कितने का है वड़ा पाव? वड़ा सिर्फ वजन पे आता है, सो 40 रुपए फॉर 125 ग्राम, 50 रुपए फॉर 155 ग्राम। तो 125 ग्राम में कितने वड़े आएंगे? दो, तो चार पीस। चार पीस 60 रुपए का आएगा। हाँ तो ठीक है, चलेगा। हमारे सामने गरम गरम वड़े तले जा रहे हैं। yes. और हम क्यू में खड़े हैं। तो ये खाने से पहले हमको ओपन द वड़ा, ऑल ऑफ देम। क्यों? नींबू दिया है फॉर अ रीजन, नो? एक को तो छोड़ दे। सो वड़ा गोज इनसाइड द नींबू। वड़ा गोज इनसाइड द नींबू, नॉट पॉसिबल। नींबू गोज इनसाइड द वड़ा। वाओ, वेरी क्रिस्पी हॉट आउटसाइड एंड इट लुक्स वेरी स्पाइसी ऑन द इनसाइड। ओ वाओ, अच्छा किया तूने नींबू न छोड़ा। क्यों? द टेस्ट इज मैग्निफाइड। इट्स अ स्पाइसी स्वीटिश वड़ा पाव, बट द नींबू गेव इट सच गुड टैंग। स्पाइसी नॉट वड़ा पाव, सॉरी, इट्स अ वड़ा नॉट अ पाव। इट्स अ वेरी गुड वड़ा। तुझे नहीं अच्छा लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स आई डोंट नो, समथिंग इज मिसिंग। ओके हियर, कंप्लीट इट। नो, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट मिर्ची। ये मीठा क्यों है वड़ा? हां, मीठा है बिकॉज़ तू सूरत में। सूरत टेक ऑन बटाटा वड़ा and it is a little sweet, but I like it. It's okay. I'm not completely satisfied, but theek hai, because it's hot. Then add the chili flakes. No? Sweetness will rahega na? It's not a Mumbai vada pav if that's what you were expecting. Yeah. Neither is it a Karzat Lonavala type vada pav. It's first a Sufi vada pav and it's not a pav. First of all, it's not a vada pav. I don't know, I keep calling it vada pav. And इतना बहुत ज़्यादा मुझे आलू भी नहीं लग रहा है। It's more masala than आलू। वो masala and the coating is thick। But it's crisp on the outside। हाँ, if you have it hot, yeah, it's crisp on the outside। I will try one more time to like it। You just have to make this marriage work। No? It's not working। Okay, the dash of lime is a good addition in my opinion। And a slight differentiator with the onion and lime, and promise to myself this is my last bite of the vada. So, अभी ये last place है हमारा इस video का, और ये food cart को देख के ही excitement हो रही है. There is parathas, there is different kinds of parathas. यहाँ पे एक famous paratha है, Raja Rani paratha. Raja Rani paratha. तो वो तो खाएंगे. And second one is your choice. गाड़ी का नाम है साई सूरती, सो लेट्स हैव देयर स्पेशल द साई सूरती पराठा। परफेक्ट। लिटिल, नॉट लिटिल, टू स्पून्स ऑफ शेजवान सॉस, चटनी, चाट मसाला, गरम मसाला, I'm so happy there is no besan. There's, but there's cheese, but that's okay. That's okay, acceptable. That's fine. I'm very happy to see the presentation. It's like such a cute looking paratha. और मैं कुछ बात नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा एक bite लेने वाला हूँ. I'm starting with the Raja Rani paratha, the Rani side of it. Rani. Rani side. I'm starting with the Sai Surti with the papad crush on top. मैंने ऐसे ही expect किया था. It's very good. I love it. Since the name is so cheesy and corny, we will go with that. हम रानी को रानी खिलाएंगे। रानी को राजा खिलाना चाहिए था वैसे। It's okay। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है।
ट्राई करेंगे दही के साथ. इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट वन एक्सेप्ट फॉर द पापड़ ऑन टॉप. और पापड़ एक्चुअली थोड़ा क्विकली सारा उसने मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लिया है. तो हमको जल्दी जल्दी खाना चाहिए दही के साथ का. Oh, I got a mirchi ka. I'm loving it. Everything from watching it being made to eating it was a titillating experience in a way. Matlab it's Raja Rani titillating. What are we talking about? What are we talking about, man? It's just plain orange parathas. Oh, this is damn good. This is damn good. Wow, iske andar jab beetroot carrot they're not fully cooked. It has a lot of bite. Which is a good crunch. Thing in this. Great bite, great crunch. Al dante. So generously filled, man. So generously filled. Al dante veggies. This card pe jo level of innovation hai na, it has to be mentioned and applauded. Absolutely. Right from giving them name to coming up with concepts like crushed papad on a paratha, smoky paratha with the coal placed on it. And this Raja Rani green and red and mind veggies. You, this is a very, wow. very tasty paratha. So, yeah, it's not just fancily named. Expert hand. Sauce mat kha yaar. Khati hu na, please. So, texture, flavor, layering of flavor, brilliant. Also, pata, back in the day to nahi, like about 10, 15 years ago when I had come in 2010 yahan pe na yahan pe divider nahi tha so people used to come ghar se khana bana ke aate the aur chatai bicha ke raste ke beech mein khate the every night whether weekend or weekday and then this culture started ke they started selling food on the side of the road wo to gaya but the food has gone to another level. Yes, food remains and it's great food. So this card, Sai Surti, is run by the very enterprising Mehta Parivar. Husband, wife and two daughters. And auntie started making this when the daughters were very young. And now they're both grown up. And they're also hand bata rahe. Hand bata rahe. Bahut achcha se hand bata rahe. Badhiya hi kaam kar rahe. And if you're in Surat, you must make the time. Yes, you must. To come to this card and eat these hot parathas on a pleasant night. Also the experience of a curbside cart on the street, almost like an alfresco seating. It's nice. It's fun. So Sai Surti Paratha Gadi hai Pipalod mein. It opens at 5 and it's open till late in the night. So yeah, make that trip. और अगर आपको ये चटाई पे बैठना है, वो चटाई पे भी बैठ सकते हो. So we are genuinely ending this video on a high. Wow. Yes. So time to raid all the street food that we've eaten in Surat, starting with dabeli, the normal dabeli and the spicy dabeli. Normal dabeli was 6/10 for me, spicy was 7/10. Both were 5/10 for me. Then we move on to the coco. Coco, I'm not very fond only of that item basically. But still, because it's a rage in Surat, I'd give it a 6.5/10. Thank you. Normal coco 8/10. Then we move to the Bhai Bhai Omelette Center. Lazzy's Omelette. Lazzy's Omelette 10/10. 10/10. Gotala. 10/10. Gotala for me 9/10. And then the AK-47. AK-47 is a league of by itself. I can't rate it. 15/10. Ganpat Vada. Vada wala. So Ganpat Vada, mujhe definitely acha laga tha. I would give it a 7.5/10. Ye kaisa acha laga? To matlab acha laga. 6.5. And then the paratha. Oof, the paratha was an experience, boss. Poof. 10/10. Everything. Yeah, for both the parathas, for all the parathas, even the ones that we didn't eat, I'm sure they're 10/10. So like, share, comment, subscribe. और अगली बार कौन सा रास्ता, किस शहर में कौन सा रास्ता कवर करें वो आप हमें बताएं. और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है. ये होता है ना, once you remove the besan out of the food, you get awesome food. तो एक गरम गरम वड़ा अभी बाहर आ चुके हैं और अभी हम लाइन में पहले हैं तो हम खाएंगे. टर्न. थैंक यू. एक छोटी पानी की बॉटल भी दे दो. ये दूसरा देंगे. पानी की बॉटल दे दो छोटी.